Hi, Miss. I'll wait. Thank you. क्या बात है, तुम फोन पे बहुत ही परेशान थी? बात ही ऐसी है, गरीवाल्स के हाथ एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट आया है जिससे शेयरगिल्स मार्केट से हमेशा के लिए बाहर हो जाएंगे। कैसा कॉन्ट्रैक्ट? 350 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट। और तुम मुझसे क्या चाहती हो? बस मैं चाहती हूँ कि गरीवाल से तुम मुझे वो कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स ला दो। बस मैं नहीं चाहती कि गरीवाल्स वो कॉन्ट्रैक्ट सबमिट करें, मैं चाहती हूँ कि शेरगिल्स वो कॉन्ट्रैक्ट सबमिट करें। लेकिन रीवा, मैं ऐसा क्यों करूँगी? गरीवाल की कंपनी में हमारा भी शेयर है, तो मैं खुद अपना नुकसान किस लिए करूँगी? वैसे भी अभी वरुण की शादी होने वाली है, शादी के बाद वो बिजनेस संभाल लेगा। अब तो सूरज संभालने के लायक नहीं रहा, और ऋषि को जहाँ तक मैं जानती हूँ 2-3 दिन के लिए काम करेगा, फिर बोर होके भाग जाएगा। बस मैं हमेशा समझती थी कि तुम बहुत समझदार हो, लोग तो एक बार धोखा खा के सीख लेते हैं, लेकिन तुम तो जिंदगी भर धोखा खाती रही और आज से नहीं सीखी। भले सूजे लपाहेज हो और ऋषि गुड फॉर नथिंग, लेकिन तुम्हारे बेटे वरुण को कुछ भी नहीं मिलेगा। अरे अगर मिलना होता तो बहुत पहले मिल जाता। तुम खुद अपने पति को दे, पावर ऑफ अटॉर्नी ऋषि को दे दे। अगर उससे अपने बेटे पे भरोसा नहीं है तो और कोई क्यों करेगा? उस 350 करोड़ का 25% तुम्हारा। इन पैसों के साथ तुम अपने बेटे के लिए नया बिजनेस शुरू कर सकते हो। नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट। मंजूर? मंजूर। ऋषि। अरे कशिश, तुम यहाँ? कुछ काम था तो मुझे बुला लिया था। आओ बैठो। ऋषि, मुझे तुमसे एक बहुत ही जरूरी बात करनी थी। देखो ऋषि, तुम अपनी बिजनेस की जिम्मेदारी बहुत ही अच्छी तरह से निभा रहे हो, लेकिन मुझे लग रहा था कि सुजल को ऑफिस ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि उसे ऐसा लगने लगा है कि घर पर किसी को भी उसकी जरूरत नहीं है, और मैं नहीं चाहती कि उसे ऐसा लगे। वैसे भी खाली दिमाग में हमेशा गलत ख्याल आते हैं, इसलिए मैं सोच रही थी कि जितनी जल्दी हो सके हमें सुजल को ऑफिस में लाना चाहिए। कशिश, मैं यहाँ सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। मैं तो बस इसी बात का इंतजार कर रहा हूँ कि बिग बी आए और ऑफिस संभाले। सभी लोग यही चाहते हैं कि बिग बी ऑफिस संभाले। कशिश, बिग बी ऑफिस ज्वाइन कर रहे हैं ना? हाँ ऋषि, मैंने सुजल को मना लिया, वो कल से ऑफिस आएगा। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि बिग बी ऑफिस ज्वाइन कर रहे हैं। बता सकते हैं इसकी कीमत क्या है? 20 लाख का। अच्छा, ये तुम्हें पसंद आया? बहुत सुंदर है, इसे आप पैक कर दीजिए। लेकिन मैं कह रही थी, क्यों पसंद नहीं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन वो कह रही थी फिर वसु, तुम्हें नहीं लगता कि ये बहुत ज्यादा महंगा है?
मेरी बहू से कम। इसके सामने ये सब कुछ फीका पड़ जाता है। देखो शिवांगी, तुम कितनी लकी हो कि तुम्हें वसु जैसी सास मिली। वैसे भी अब मुझे पैसों से क्या कमी, जो प्लान मैंने बनाया है उसके पूरा होते ही मैं ऐसे ज्वेलरी सेट्स जितने चाहूं खरीद सकती हूँ। थैंक यू ऋषि, नहीं जानती थी कि तुम्हारे अंदर इतनी अच्छाई छिपी हुई है। मैं शायद दुनिया की सबसे भाग्यशाली औरत हूँ जिसकी देखभाल करने वाला तुम जैसा कोई है। ऐसा क्यों कह रही तुम बहन? वो इसलिए क्योंकि मैंने यही सोचा था कि तुम किसी का भला नहीं कर सकते। भूल गए, वो तुम ही थे ना जिसने मुझे इतना दुख दिया, और आज ये तुम ही हो जो मुझे इतनी खुशियाँ दे रहे हैं। आज इस बच्चे की मुझसे ज्यादा खुशी तुम्हें है, जबकि तुम जानते हो कि ये बच्चा तुम्हारा नहीं है। खबरदार, जो ऐसा कुछ भी कहा तुम, ये बच्चा हमारा है। ऋषि, थैंक्स अ लॉट। बस एक बात का ख्याल रखना, तुम मेरी बीवियों में, जो चीज तुमसे जुड़ी है ना वो चीज मुझसे भी जुड़ी है। जो चीज तुम्हारी है वो चीज मेरी भी है। चिलराहा को तुमने अपने इन्हीं हाथों से संभाला, आज उन्हीं राहों पर चलने में ये घबराहट कैसी सूझ रही? कुछ नहीं बदला है सूझी। मैं जानती हूं कि इस दरवाजे से उस तरफ तक का फासला तुम्हारे लिए बहुत ही भारी है, लेकिन जानते हो उस तरफ सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारे सहारे के इंतजार में सब लोग अपने हाथ फैलाकर खड़े हुए हैं। जाओ सुजन, जाकर उनका हाथ थाम लो। Thank you.
आपको ऑफिस में देखकर मैं बहुत खुशी हो रही है। वेलकम डेक्सर, और ये हमारे पूरे स्टाफ की तरफ से। ये सब की क्या जरूरत थी? अरे बिग बी, जरूरत कैसे नहीं थी। ऑफिस के सभी लोग आज इसी दिन का इंतजार करते हैं। बिग बी, आप नहीं जानते आज सब लोग कितने खुश हैं। ऋषि, आई थिंक अब हमें सुजल को उसके कैबिन में लेकर जाना चाहिए। हमारे लिए क्या आदेश है सर? Go back to work. Yeah, get back to work, understand? संभाल। बेबी, आप नहीं जानते आज हमारे लिए कितना बड़ा दिन है। आज मैं तो बहुत खुश हूं। आपके आते ही हमारी कंपनी को 350 करोड़ का प्रोजेक्ट मिला है। सच में बिग बी, अगर आप नहीं होते ना तो हम इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं कर पाते। लेकिन अब आ गए तो फिक्र करने की कोई बात नहीं है। कैसा प्रोजेक्ट है ये? बेटे, कुछ चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स पूना में खोलना चाहते हैं। इस फाइल में सारी डिटेल्स हैं, तुम अच्छी तरह से देख लो। बस उसके बाद जब चाहोगे मीटिंग रखवा देंगे। बिग बी, मैं चलता हूँ, कोई काम हो तो मुझे बुलवा लेना। नंबर तो पता ही है। सी यू, बाय। सुजल, अब मैं भी चलती हूँ, तुम अपना काम करो। बाय। मैम, कॉन्ट्रैक्ट के पेपर अगर मुझे मिल जाए तो मैं सब कुछ आपके नाम कर सकता हूँ, पर बगैर पेपर के मैं कुछ नहीं कर सकता। रिवाल्स के लिए भी बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, मुझे नहीं लगता कि उसे हासिल करना इतना आसान होगा। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। वो पेपर्स कैसे आएंगे वो मेरी जिम्मेदारी है। May I come in, sir? Come in. सर, आपने वेस्ट जोन के जो रेनोवेशन के लिए कहा था उसके स्केचेस और कलर स्कीम तैयार है, एक बार आप देख लीजिए। इनफैक्ट सर, आप वहां आकर एक बार खुद इंस्ट्रक्शन दें तो अच्छा होता। वैसे हम लोग चाहते हैं कि हम वैसा ही रिजल्ट आपको दें जैसा आप चाहते हैं। तुम चलो, मैं आता हूं। ओके सर। ये 350 करोड़ मेरे होंगे, तुम्हारे नहीं सुजल ग्रेवाल। तुम यहाँ? अब तो तुमने ऑफिस ज्वाइन कर लिया तो मुझे देने के लिए तुम्हारे पास वक्त तो नहीं होगा, तो मैंने सोचा कम से कम लंच तो साथ कर लेंगे, कुछ वक्त तुम्हारे करीब तो रह पाऊंगी। आज तुम्हारे लिए सब लोगों ने अलग अलग मेन्यू दिया, किसने कहा ये लेकर जाओ तो किसने कहा कि वो लेकर जाओ, तो मैंने कह दिया कि थोड़ा थोड़ा सब कुछ बना दो। ठीक किया ना मैंने? थैंक यू कशिश। किस बात के लिए? आज तुम्हारी वजह से फिर से मैं ऑफिस आ सका। मैंने कुछ भी नहीं किया, और फिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम वो करो जो तुम्हें नहीं करना चाहिए? आज नहीं तो कल तुम्हें तो ऑफिस आना ही था। क्यों? ये लो।
क्या बात है कशिश, बहुत खुश दिख रही हो आज। ऐसा लगता है कि मेरे ऑफिस आने के अलावा कोई और खुशी भी है। हाँ सुजन, मैं महक के लिए बहुत खुश हूँ। हालात बदल जाने से जिंदगी कैसे बदल जाती है ना सुजन। आज महक प्रेग्नेंट है और ऋषि भी उसके साथ है। इससे बड़ी खुशी महक की जिंदगी में और क्या हो सकती है। महक और ऋषि की जिंदगी में रोशन तो पहले भी था, लेकिन तब हालात ऐसे नहीं थे। सुजल कितना बदल गया है ना ऋषि। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि ये वही ऋषि है। महक और ऋषि की जिंदगी में इससे बड़ी खुशी और कोई नहीं हो सकती। कितना अच्छा लगता है ना जब एक नया मेहमान आपकी जिंदगी में आने वाला हो। मेरे ख्याल से एक औरत के लिए एक माँ बनने की खुशी से बड़ी और कोई खुशी नहीं हो सकती। ऐसा लगता है कि बस सब कुछ आपके बस में हो। सुजल, सुजल कहाँ खो गए तुम? और मैं ये खुशी शायद तुम्हें कभी नहीं दे पाऊंगा। मैं तुम्हें महक के बारे में बता रही हूँ, तुम कहाँ खो गए थे तुम? सुन लिया मैंने, इसमें इतना खुश होने वाली क्या बात है? ये कोई पहला बच्चा तो नहीं है ना दुनिया का। मुझे मीटिंग के लिए देर हो रही है। लेकिन सुजल खाना, स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।